मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आचार संहिता लगने के बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जो पुलिस से बेखौफ होकर बीच सड़क पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कुरावर से सामने आई है, जहां एक युवक से एक आरोपी ने 10,000 रुपए की मांग की और जब उसने रुपए नहीं दिए तो बीच सड़क पर लाठियों से युवकों की जमकर पिटाई कर दी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। पुलिस ने बताया कि महेश पिता कन्हैयालाल धोबी कृषि उपज मंडी के सामने बल्लू नामक युवक की होटल पर पहुंचा, जहां दया नामक अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने भाई के साथ आया और महेश से 10,000 रुपए की अड़ीबाजी करने लगा। महेश ने पैसे देने पर इनकार किया तो आरोपी ने बीच सड़क पर महेश को लट से पीटना शुरू कर दिया और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस बीच आते जाते लोग खड़े होकर तमाशबीन बने रहे, लेकिन महेश को बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। बेखौफ आरोपी अपने भाई के साथ बाइक पर बैठकर चला गया। बुरी तरह घायल महेश के सिर सहित हाथ पैरों में गंभीर चोट आई है। खून से लथपथ महेश को सूचना पाकर पुलिस अपने वाहन से अस्पताल ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजगढ़ से संवाददाता नितेश सोनी की रिपोर्ट। मामला था महेश धोबी। महेश धोबी को कल दया शंकर ने बुलवाया और उसको अड़ी डाली उसके ऊपर और उसको मारा है। उसका भाई भी है दीपक जी। क्या मामला दर्ज हुआ फिर उसके ऊपर? 307, 329, 294, 34 का। अभी गिरफ्तारी वगैरह हुई? अभी घर गिरफ्तारी के लिए उस घर पर गए थे, वहाँ मिला नहीं है। रात में अब फिर जा रहा हूँ।